हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स माई सेल्फ सरबजीत सिंह पीजीटी मैथमेटिक्स नाउ दोस्तों आई नो कि बहुत बड़ा एक इस हमारे यहाँ पर एक होता है।, है कि मैथ्स कैसे करेंगे मैथ्स का एक फेयर बहुत डराता है हमें सबको लगता है कि मैथ्स हमसे होगी नहीं होगी कि बिकॉज टेंथ क्लास तक तो मैथ्स कंपल्सरी है उसके बाद हमारे पास चॉइस होती है कि मैथ्स कैसा करें मैथ्स ले कि ना ले कॉमर्स विद मैथ्स ले विदाउट मैथ्स लें बट बिलीव मी विदाउट मैथ्स आगे लाइफ में बहुत रस्ते हमारे बंद हो जाते हैं तो हमें मैथ्स करनी है जो जो मैथ्स का डर है जो मैथ्स का फियर है उसको हमें निकालना है तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीआरटी से सेट्स और एनसीआरटी भी अब सीबीएसई ने बहुत रिड्यूस कर दिया है उसके टॉपिक्स कट कर दिए हैं बट आ, आ, मैं देखता हूँ अभी भी बहुत इंस्टीट्यूट में पुराना कोर्स भी पढ़ाया जाता है तो दैट तो इज नॉट अ वर्थ तो हमें जो करना है हमें जो लेटेस्ट सीबीएसई का सिलेबस है पैटर्न है उसके साथ चलना है सो दैट हम भी अच्छे स्कोर कर सकें और जो सी जो डेली uh, बोर्ड जो हम आगे 11th, ट्वेल्थ क्लास में जाएंगे तो अच्छा स्कोर कर सकें तो आज हम इलेवंथ क्लास का मैथ उठाएंगे और उसमें स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर वन दैट इज सेट्स और बहुत इजी टॉपिक है बहुत मजेदार टॉपिक है तो हम इसको करते हैं सेट्स को स्टार्ट तो व्हाट इज सेट सबसे पहला क्वेश्चन सेट्स होता क्या है तो वर्ड सेट इज यूज्ड फॉर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं हम लोग ठीक है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन प्यारे बच्चों वेल well डिफाइंड कि जो हमारा एक प्रॉपर जो डेफिनेशन है वेल well डिफाइंड का जैसे सपोज करो मैं आपको कहता हूं कि मुझे एक ऐसा सेट बनाओ ऐसा जिसमें जो मंथस बनाओ जो जे से स्टार्ट होते हैं तो जैसे जो स्टार्ट होने वाले मंथ दैट इज जून मंथस हैनवरी ऐसे जो सेट्स हो जनवरी जून जुलाई तो इसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स सो वेल डिफाइंड मींस दिस अगर मैं आपको कहता हूं मुझे बताओ कि टेन मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर्स तो दैट इज नॉट अ सेट बिकॉज आंसर विल बी डिफर सो जैसे कि सपोज मेरा बेस्ट क्रिकेटर विराट कोहली है आप कहे मेरा बेस्ट क्रिकेटर रोहित शर्मा है सो इट इज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन सो इसलिए हमें दोस्तों सेट्स को समझना बहुत जरूरी है कि सेट्स होता क्या है तो सेट एक वेल well डिफाइंड है जिसमें सबका आंसर एक जैसा रहेगा बट जो सेट नहीं होंगे दैट आंसर कैन बी वेरी सो दो आपको मैंने एग्जाम्पल बताया है कि सेट्स को कैसे हम रिकॉगनाइज करेंगे और जो सेट्स होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है दैट इज इंपॉर्टेंट तो सेट्स जो होती है उसकी उसको रिप्रेजेंटेशन करने के थ्री मेथड थ्री वेज होते हैं तो सबसे जो पहला वे होता है वो होता है हमारा पहला जो वे है वो हमारा जो सेट्स से, है जैसे सेट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे थ्री वे से वन टू थ्री तो जो पहला फॉर्म है वो होती है रोस्टर फॉर्म मींस मैं सेट्स को रोस्टर फॉर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं दूसरी फॉर्म्स होती है हमारी जो होती है सेट बिल्डर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म अब बहुत सारे मैथमेटिशियंस मैं देखता हूं कि इसको कहते हैं कि सेट्स को रिप्रेजेंट दो मेथड से किया जाता है दो वे से किया जाता है बट एक थर्ड वे भी होता है जिसको हम कह सकते हैं वेन डायग्राम सो थ्री टाइप्स जो होती हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन की तीन तरीके से हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म एंड थर्ड वन इज वेन डायग्राम तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है बेसिकली अगर मैं एलिमेंट्स को ब्रैकेट्स में लिखता हूँ दैट इज करली ब्रैकेट ब्रेसिस बोला जाता है अगर उसको करली ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है उसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ एग्जाम्पल देता हूं किसका रोस्टर फॉर्म का सेट्स ऑफ ईवन नंबर अगर मैं आपको बोलता हूं कि बताओ सेट्स ऑफ ईवन नंबर क्या होंगे तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे सेट्स ऑफ इवन नंबर को वन सॉरी टू फोर सिक्स एट एंड ऑन करली ब्रैकेट इज इंपॉर्टेंट पार्ट कर्ली ब्रेसिस में रिप्रेजेंट करके इसके बाद कॉमर्स में इसको लिखते हैं जैसे मैं आपको बोलता हूं कि सेट ऑफ एक और एग्जाम्पल लेते हैं सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड स्पेस तो इसको जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो एस पी ए सी ई तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया तो फॉर्म ऑफ ये रोस्टर फॉर्म दैट रोस्टर फॉर्म तो रोस्टर फॉर्म इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर लिस्टेड विद इन ब्रेसेस दैट इज़ करली ब्रेकेट और अगर मैं आगे बोलूं कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म सो सेट बिल्डर फॉर्म बेसिकली क्या होगा इसको हम डिस्क्राइब करते हैं बाय रूल ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इसमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज यूज की जाती हैं जैसे सपोज मैं आपको एक सेट देता हूं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे इज द सेट ऑफ इवन इवन नंबर तो ये हमारी होगी सेट बिल्डर फॉर्म सो दिस इज द मेन डिफरेंस जो हमारा करली ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा करली ब्रेसिस में लिखा जाएगा वो हमारा होता है रोस्टर फॉर्म और जिसको प्रॉपर्टी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में लिखा जाएगा दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म तो ये हम सेट बिल्डर फॉर्म और अच्छे से समझेंगे विद uh, विद इन द एनसीईआरटी बुक हम एनसीईआरटी बुक से इसको स्टार्ट करेंगे और लास्ट वन जो होता है दैट इज वेन डायग्राम तीसरा जो पार्ट है वेन डायग्राम तो वेन डायग्राम बेसिकली हम इसको फॉर्म ये ब्रैकेट्स uh, में बनाते हैं इसको एक रेक्टेंगुलर शेप में बनाते हैं जो इसमें यूज होते हैं सर्कुलर पार्ट एलिप्स भी ले सकते हैं इसको एलिप्स पार्ट में ऐसी डेफिनेशन में इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है तो सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग डायग्राम 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 जो diagram से यूज होते हैं हैं उसको हम बोलते वेन जैसे सर्कल हो गया एलिप्स हो गया ये जो रेक्टेंगल होता है ये बताता है यूनिवर्सल सेट को सो so, दोस्तों सेट्स की आज की जो डेफिनेशन है पहले हमने क्या क्या सीखा कि सेट्स होता क्या है दूसरा सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग जैसे कि सेट्स को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और सेट्स को हम किस में वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो आई विश कि आप लोगों को ये तीन डेफिनेशन के बारे में अच्छे से समझ आया होगा कि सेट्स होता क्या है अब मैं आपको ले चलता हूं एनसीआरटी बुक पर सो so, एनसीआर की बुक में भी इंट्रोडक्शन दिया हुआ अब आप, आप उसको अच्छे से पढ़ोगे कि सेट्स और उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो आप अच्छे से सुनोगे मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में बताता हूँ कि बेसिकली सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन इन एवरी डे लाइफ वी ऑफन स्पीक ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड सच एज पैक ऑफ कार्ड्स क्राउड ऑफ पीपल ये सब तो यहां से मैं पता चलता है कि होता क्या कलेक्शन अब यहां पर लिखा जा रहा है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन टेन तो क्या ये सेट हुआ यस yes. जो मेरा आंसर होगा जो आपका आंसर होगा किसी से पूछेंगे सबका आंसर सेम होगा लेस देन टेन वन थ्री फाइव सेवन नाइन तो दैट इज सेट्स द रिवर्स ऑफ इंडिया जो रिवर्स ऑफ इंडिया है दैट इज ऑल्सो सेट तो ऐसे करके हम अगर चेक करेंगे तो इन सब में क्या लिखा हुआ है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे इसका सिक्स पार्ट है द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो तो आपको पता है क्वाटिटिक इक्वेशन है एंड क्वाटिटी इक्वेशन की डिग्री टू है तो इसका मतलब इसके जो हमारे सोल्यूशन होंगे दैट इज ऑल्सो टू तो इसको जब हमने सोल्व करा तो आंसर आया है टू एंड थ्री तो दैट इज ऑल्सो वेल डिफाइंड

अगर मैं किसी टर्म को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख लूंगा तो वो हमारे क्या होते हैं रैशनल नंबर ऐसी आर रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ रियल नंबर तो अगर मैं बोलूं रियल नंबर क्या होता है तो एवरी नंबर इज अ रियल नंबर एक्सेप्ट एक्सेप्ट इमेजनरी पार्ट इमेजनरी पार्ट मीन्स जब रूट में माइनस आ रहा हो तो उसको छोड़कर बाकी हर एक नंबर जो हमारा वो क्या होगा रियल नंबर ये आप देख रहे हो z के ऊपर एक पॉजिटिव लगा हुआ है z पॉजिटिव मीन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स z ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे क्यू के ऊपर पॉजिटिव आएगा मीन सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स आर के ऊपर पॉजिटिव लगा देंगे तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स तो दोस्तों ये आपको पता होना बहुत जरूरी है अगेन यहां पर बोल्ड लेटर्स में दिया हुआ अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो सेट क्या होता है वेल डिफाइंड ऑर्डर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इसमें भी दो मेथड्स बताए रिप्रेजेंटिंग करने के रोस्टर और जिसका दूसरा नाम होता है टेबुलर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दोस्तों सेट बिल्डर फॉर्म को रूल फॉर्म भी कहते हैं रूल फॉर्म भी क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म तो रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म इसमें भी दो बताए गए बट मैं, मैंने आपको एक तीसरा भी बताया जो क्या होता है वैन डायग्राम तो आप इसको दोस्तों एक बार एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से रीड करेंगे ये एनसीईआरटी की बुक मैं आपको इसका एक लिंक भी वीडियो में डालूंगा सो so दैट आप लोग एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर सकते हो जो न्यू वाली बुक है उसको सीबीएसई से भी डाउनलोड की जा सकती है और मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करूंगा अब हम चलते हैं एक्सरसाइज वन तो एक्सरसाइज वन पॉइंट वन के तहत विच ऑफ आर सेट्स एंड जस्टिफाई योर आंसर फॉलिंग सर सेट फर्स्ट द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ अर बिगनिंग विदर जे तो ऐसे हमें कलेक्शन मंथ्स ऑफ़ अ ईयर जो कि स्टार्ट हो रही है जे से तो क्या ये सेट्स है, नहीं है बिल्कुल आप अपने मन में टाइम लीजिए और आई थिंक आपका आंसर आपको पता चल चुका होगा तो ये इट इज अ सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड ऑर्डर ठीक है ये वेल well डिफाइंड है जे स्टार्ट होगा तो जनवरी जून जुलाई सबको पता है एस द कलेक्शन ऑफ टेन मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया टेन मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज इट सेट नो इट इज नॉट वेल डिफाइंड क्योंकि टेन मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स मेरे कुछ और हो सकते हैं आपके कुछ और हो सकते हैं और जो मेरे बच्चे बैठे हैं उनके कुछ और हो सकते हैं तो दोस्तों दैट इज नॉट वेल डिफाइंड तो दोनों में डिफरेंस क्या है दैट इज इंपॉर्टेंट कि वेल well डिफाइंड क्या होता है और डिफाइंड क्या होता है इसके बाद आ रहा है द टीम ऑफ इलेवन बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड तो बता रहा है टीम बतानी है बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड तो ये भी सेट नहीं है दैट इज नॉट अ वेल डिफाइंड आगे चलते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास तो आप बताओ ये सेट है कि नहीं है यस इट इज अ सेट बिकॉज क्लास के अंदर जितने बॉयज होंगे उतने ही बॉयज रहेंगे ठीक है दैट इज ऑल्सो सेट दैट इज वेल डिफाइंड सो इट इज इट इज अ सेट द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन हंड्रेड दल्सो अ सेट कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद तो क्या ये भी सेट है यस yes, मेरे प्यारे बच्चों इट इज ऑल्सो अट्स बिकॉज आपको हम पहले भी बता चुके हैं जो सेट्स है वो वेल well डिफाइंड है और बात पर्टिकुलरली आ रही है मुंशी प्रेमचंद मीन ये डिफाइंड हो गया एक नाम हमारा डिफाइंड कर हमने अगर मैं यहां पर लिख देता द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर ऑफ इंडिया तो उसमें तो बहुत सारे राइटर्स इंडिया के हो सकते हैं तो दैट इज नॉट वेल डिफाइंड उसको बताया कैटेगराइज नहीं किया गया ऐसे कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंडीजर्स तो ये भी हमारे सेट्स होंगे सो so, ऐसे दोस्तों ये इसको आपने आगे आगे पढ़ना है और समझना है इसको अच्छे से क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं हम लोग अब हमें लेट ए सेट देखो इसको सेट को जो डिफाइन किया गया है कर्ली ब्रैकेट्स में डिफाइन किया गया है वन कामा टू कॉमा थ्री फोर फाइव सिक्स इसके बाद बोल रहे हैं इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल अब ये जो सिंबल है इसके बारे में आपने समझना ये सिंबल क्या है देखिए एक बारी देखिए ये जो सिंबल है ये सिंबल इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू और जो ये सिंबल है इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू अब ये बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू होता क्या है वो मैं आपको बताता हूं और ये जो सिंबल है इसको हम एपसिल भी बोलते हैं तो ठीक है इस ये जो सिंबल हमारा है इसको हम एपसिल भी बोल सकते हैं इसको ये जो हमारा सिंबल बना हुआ है तो दोस्तों ये जो सिंबल है ये बिलोंग्स टू होता गया अब देखिए एक बारी यस yes. अब देखो सपोज मैंने आपको एक सेट दिया नंबर डाल दिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स दैट इज द ऑब्जेक्ट्स ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अगर सपोज मैं आपको बोलता हूं इज टू बिलोंग्स टू ए क्या टू इसमें बिलोंग करता है तो आप सबका आंसर क्या है यस 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 टू बिलोंग्स टू ए तो ये टू इसमें बिलोंग करेगा अगर इसमें बिलोंग करता है यस इज बिलोंग्स टू ए बट अगर मैं बात करूं करतेवन की तो सेवन इज नॉट बिलोंग्स टू ए तो देट इज दिंपल टर्म बिलोंग्स टू क्या होता है तो नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है कई बार ये आप, आपको आपको पता है आपके ट्वेंटी एमसीक्यूज देंगे इस बार पैटर्न के अकॉर्डिंगली तो कई समाइम एमसीक्यूज में पूछा जाएगा कि ये इसका सबसेट uh, है या एफ सी सबसेट भी क्या होता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे बट बिलोंग्स टू है कि नहीं है तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो अब हम आते हैं दोबारा एनसीईआरटी की बुक पे क्वेश्चन नंबर टू लेट ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल अब हमें इस सिंबल को इंसर्ट करना है तो देखो यहां पर जो सेट दिया हुआ है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो फाइव बिलोंग्स टू ए दैट फाइव इज बिलोंग्स टू ए क्वेश्चन सेकेंड सेकेंड पार्ट एट बिलोंग्स टू ए क्या एट इसमें बिलोंग करता है सिंपल आंसर है नहीं तो सेट इज नॉट बिलोंग्स टू ए तो दोस्तों आई थिंक ये भी आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि सेट्स क्या होते हैं सेट्स कितनी तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और ये बिलोंग्स टू क्या होता है एप्सलिन को क्या किस लिए यूज होता है ऐसे अब क्वेश्चन नंबर थर्ड बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड में राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म अब रोस्टर फॉर्म क्या होती है आपको डिस्कस किया था जो करली ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट की जाती है रोस्टर uh, तो हमें यहां पर दिया हुआ है माइनस थ्री लेस देन एक्स लेस देन सेवन ये हमारे पास क्वेश्चन है तो इस बो हमें सेट इसको हमें किसमें किस लिखना है रोस्टर फॉर्म में तो इंटीजर देखो एक बार एनसीईआरटी एनसीआर पर दोबारा आते हैं यहां पर साफ सा लिखा है एक्स एक्स इज एन इंटीजर अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को अच्छे से समझना मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि मैक्सिमम बच्चों के जो क्वेश्चंस जो सॉल्यूशंस जो गलत के होते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन ही अच्छे से नहीं पढ़ते तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि क्वेश्चन अगर अच्छे से पता होगा तो डेफिनेटली हम आंसर उसका सही करेंगे तो यहां पर क्वेश्चन नंबर वन दिया हुआ है एक्स सर दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड माइनस So, यहां पर अगर मैं आता हूं यहां पर दिया हुआ माइनस थ्री लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स बोला हुआ है ठीक है एंड लेस देन सेवन तो इसमें सेट क्या होगा एस एनी वन कैन आंसर अपने आप अपने मन में आंसर दो मैं आपसे अभी बात तो नहीं कर पा रहा लेकिन आई विश कि आपको यह बात जरूर समझ आएगी इसमें क्या है माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर फोर फाइव सिक्स बट नॉट इंक्लूडेड सेवन बिकॉज माइनस थ्री लेस देन इज इक्वल टू एक्स है तो लेस देन भी और इक्वल टू भी हो सकता है तो दैट्स वाई वी इंक्लूड माइनस थ्री हमने माइनस थ्री को इंक्लूड किया है तो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन से लेकर कहां तक जाएगा ये सिक्स तक तो मेरे प्यारे बच्चों आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कि रोस्टर फॉर्म में कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम और भी क्वेश्चन लेते हैं आगे इसमें आगे क्वेश्चन आ रहा है एक्स इज अचुरल नंबर लेस देन सिक्स तो एक्स एक नेचुरल नंबर जो लेस देन सिक्स अब नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स तो यहां पर देखते हैं बी इसका नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स तो नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है तो वन टू थ्री फोर फाइव दैट इज द आंसर तो लेस देन सिक्स लेस देन सिक्स में सिक्स इंक्लूड नहीं होगा आगे हम देखते हैं और एक्स सच दैट एक्स इज अ टू डिजिट नंबर सच दैट दिजिट इज एट अब टू डिजिट नंबर लेने हैं जिसमें उनका सम ऑफ डिजिट क्या होगा एट तो देखो यार एक बार ये भी समझते हैं सम ऑफ डिजिट इज एट टू डिजिट नंबर तो कहां से स्टार्ट करते हैं वन सेवन इनका सम क्या रहा है एट ऐसे टू सिक्स थ्री फाइव फोर 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 फाइव सॉरी फोर फाइव नहीं फाइव थ्री फाइव थ्री सिक्स टू सेवन वन दट इज आंसर बिकॉज देखो एक बार क्वेश्चन दोबारा देखते हैं एक, एक is a two digit natural number. अब टू डिजिट नेचुरल नंबर है इसलिए मैं इसको जीरो यूज नहीं कर सकता तो मेरा ये आंसर हो गया तो आंसर क्या आ गया वन सेवन इसका का ये दैट इज ये सारे जो है दो डिजिट नंबर है टू डिजिट नंबर है और सबका जो समय वो क्या आ रहा है एट तो ये हमारा एक सेट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया किसमें फॉर्म में ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स इज अ प्राइम नंबर ओके दैट इज गुड आई एम सरप्राइज कि बहुत से बच्चों को प्राइम नंबर नहीं पता होता बट नो वरीज नॉट एट ऑल जब जागो तभी सवेरा है तो आई थिंक प्राइम नंबर समझना क्या है प्राइम नंबर मैक्म बच्चे अभी भी मैं कई बार ट्वेल्थ के बच्चों से बात करता हूँ कई बार बच्चे नहीं बता पाते तो दैट इज नॉट एन इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है बट फिर भी हमें पता होना चाहिए ऐसा मैथमेटिशियंस एज ए मैथमेटिक हम मैथ math, हम मैथ्स कर रहे हैं तो हमें सब पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या नेचुरल नंबर क्या सब ये को प्राइम क्या होते हैं ठीक है ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं तो ठीक है अभी हम बात करते हैं प्राइम नंबर की तो प्राइम नंबर बेसिकली हमें ऐसा बोला जाता है कि जो किसी के टेबल में नहीं आते ठीक है तो दैट इज राइट डेफिनेशन जो किसी के टेबल में नहीं आते बट एक डेफिनेशन ये भी है जो कि जिसके सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं जो कि जैसे अगर मैं लू एग्जाम्पल फोर तो फोर जो है वो प्राइम नंबर है कि नहीं है वो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो टू के टेवल में भी आता है वो फोर के टेवल में भी आता है वो वन के टेवल में आता है बट जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं ओनली टू फैक्टर्स देट इज प्राइम नंबर तो यहां पर अगर मैं नोटिस करूं आपको बताऊं तो प्राइम नंबर जो है स्टार्टिंग फ्रॉम टू टू से स्टार्ट होता तो है प्राइम नंबर टू इज अ प्राइम नंबर तो टू प्राइम नंबर है क्योंकि उसके सिर्फ दो फैक्टर्स है प्राइम नंबर सिक्स प्राइम नंबर नहीं है उसके मोर देन टू फैक्टर्स है ऐसे जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर ठीक है तो हमारे क्वेश्चन में प्राइम नंबर की बात है बट मेरा मन कर रहा है आपको एक कॉम्पोजिट नंबर भी बता दूं क्या होता है तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं एक्सेप्ट प्राइम नंबर जो प्राइम नंबर के अलावा जो नंबर होते हैं वो सारे नंबर होते हैं जो जो है, है? yes, तो तो दोस्तों अब क्वेश्चन पे वापस आओ क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट एक्स एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ सिक्स अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ सिक्स तो देखो

सिक्सटी भी होंगे तो आपको समझ आ रहा है साथ में सेट्स भी क्या होते हैं तो ये सेट्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसमें रोस्टर फॉर्म में ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री यस ट्रिग्नोमेट्री टी ट्रिग ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं इसको भी रिप्रेजेंट करूं रोस्टर फॉर्म में जैसे ई लेते हैं हम इसको रोस्टर फॉर्म में तो दैट इज टी आर आई जी ओ एन अब देखो एक बार जो हमने अल्फाबेट ले दोबारा यूज नहीं होगा तो इसलिए उसको स्किप करेंगे टी आर आई जी ओ एन ओ ले चुके हैं एम ई -E टी भी हम ले चुके हैं दोबारा नहीं लेंगे आर भी आ चुके हैं और लास्ट में वाई दैट इज वाई सो दैट इज द सेट इसको किसी भी अल्फाबेट को किसी भी हम नंबर को वर्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सेट्स में इन दिस फॉर्म फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और वर्ड लिया कॉमन तो इसको हम सेट में अगर लिखना चाहो तो मैं सेट में इसको कैसे लिखूंगा सी ओ एम एन सो दैट इज द सेट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्लियर नाउ सिमिलरली सिक्स पार्ट एफ दी द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर तो क्या आंसर आएगा बी कॉमा ई कॉमा टी कॉमा आर तो देट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इन रोस्टर फॉर्म क्लियर दोस्तों बच्चों देखो यहाँ तक भी समझना है आपने और बिल्कुल आई थिंक मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि पूरा जो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ यही सोच रहा हूँ कि मेरा बच्चा भी मेरा अपना बच्चा भी समझ रहा है और आप सब मेरे बच्चे ही हो तो प्यारे हम चाहते ये हैं कि हम लोग जो भी करें जैसा भी करें आपको एकदम से क्लिस समझ आना चाहिए सो so दैट आपको कोई कहीं और जानना पड़े आप वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स से जुड़े उसकी हर एक वीडियो को देखें सो so दैट हम आगे चढ़े क्योंकि हमारा जो मेन एम है ना वो चिलाना नहीं है बेसिकली हमें पढ़ाना है तो पढ़ाना भी क्या पढ़ाना तो हर जगह बच्चे पढ़ा रहे हैं बट पढ़ाना वही होता है जो मैंने डिलीवर किया और आपने एक्सेप्ट करा आपको समझ आया तो देट इज़ द राइट वे ऑफ एजुकेशन और आपको वो समझ आना चाहिए वो मैं और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको जो मैं करा रहा हूँ अच्छे से समझ आए अब क्वेश्चन फोर्थ के बढ़ते हैं राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लाना है किसको सेट बिल्डर फॉर्म में लाना है हमें ये थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व अब ये हमें रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है ये हमें दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में अब हमें इसको किसमें लाना है सेट बिल्डर फॉर्म में तो कोई बताएगा कैसे होना चाहिए सोचो मन में और माइंड में अगर आपने आंसर दे दिया तो मेरे तक आंसर है तो नो no वरी आपने सोचना है अब ये क्या है अगर हम देखें थ्री वन जो थ्री थ्री टू जिक्स थ्री थ्री जर नाइन थ्री फोर जो ट्वेल्व तो ये टेबल ऑफ थ्री है तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एक्स दैट एक्स इज द फर्स्ट फोर मल्टीपल फर्स्ट फोर मल्टीपल ऑफ थ्री तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म तो सिमिलरली अगर मैं दूसरा क्वेश्चन आपको उठाऊं दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू तो अगर हम यहां पर देखें टू फोर सिक्स एट एंड थर्टी टू टू फोर एट सॉरी टू फोर एट टू फोर एट सिक्सटीन एंड थर्टी टू सिक्सटीन एंड थर्टी टू नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है दैट इज ऑल्सो वेरी इजी देखो ये ऑलरेडी किस फॉर्म में है ये हमारा रोस्टर फॉर्म में है और इसको हमें किसमें लाना है सेट बिल्डर फॉर्म में अब आप इसको नोटिस करो कि कैसे ये सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो तो देखो यहां पर ये होगा x such that x इज इक्वल टू टू रेस टू पार n अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करू क्वेश्चन को x इज इक्वल टू टू रेस टू पार n और मैं इसमें पुट करूं n को वन टू थ्री फोर तो वी गेट द आंसर तो देखो वेयर हमें बताना यहां पर वेयर n इज इक्वल थ्री फोर एंड फाइव तो देट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म येस आई थिंक बहुत से बच्चों के मन में डाउट होगा कि हम इसको सर ऐसे भी लिख सकते हैं येस यू कैन राइट दिस एन लेस देन इज इक्वल टू फाइव वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर एन वेर एन इज अ नेचुरल नंबर तो ये रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली हमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बतानी होती है इसमें तो जो आप प्रॉपर्टी मर्जी लगा सकते हो मैंने लिख दिया नेचुरल right. नंबर n, n तो ये रिप्रेजेंटेशन आप इसको बहुत सारे आइडिया से अपने बना सकते हो और भी कोई अच्छी क्वेश्चन बना सकते हो तो दैट इज नॉट बिग इशू नेक्स्ट वन पर है फाइव ट्वेंटी फाइव अब ये थर्ड पार्ट फाइव ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव सिक्स ट्वेंटी फाइव तो ये क्या क्या होगा यस आई थिंक आपने आंसर दिया है और uh, मुझे लग रहा है कि मेरे दिमाग तक भी पहुंच गया जो आप आंसर बता रहे हो बिल्कुल ठीक है आंसर एक्स रेस्टर फाइव एक्स इज इक्वल टू फाइव टू पर एन वेयर एन इज इक्वल टू वन टू थ्री एंड फोर सो दैट इज द राइट आंसर ठीक है फोर्थ पार्ट इज टू फोर सिक्स एंड सो ऑन बहुत सिंपल है सेट ऑफ सेट ऑफ इवन नंबर ठीक है दट इज अट ऑफ इवन नंबर्स ऑल इवन नंबर लिख सकते हो सेट ऑफ ऑल इवन नंबर सेट ऑफ एस भी कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल इवन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम टू सो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ आप बी लिख दोगे सेट ऑफ ऑल इवन नंबर इट्स ओके नेक्स्ट वन फोर नाइन हंड्रेड हा देट इज गुड वन वन फोर नाइन एंड दंड्रेड सो so, सोचो इसके बारे में क्या इसका आंसर होना चाहिए क्योंकि तो, मैं तो दो मिनट में आपको बता ही दूंगा बट मैं चाहता हूं आप भी एक एक थिंकिंग स्किल आप अपने अंदर गे, गेन करो कि क्या होना चाहिए yes. 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 तो सेट बिल्डर फॉर्म अगर हम देखिए तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या बननी चाहिए हमारा क्वेश्चन इसका क्वेश्चन पार्ट क्वेश्चन नंबर इसका फिफ्थ पार्ट वन फोर नाइन सो अगर मैं ये देखूं यहां पर अगर मैं इसको लिख दूस दैट एन स्क्र वेर एन इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन अगर मैं सेन पुट करूंगा वी गेट अगर मैं पुट करूंगा तो आंसर फोर थ्री पुट करूंगा तो ऐसे आंसर नाइन आएगा तो सो दैट अगर पुट करेंगे तो देन वी गेट द राइट आंसर सो ये हमने सब किस में क्या पुट इसको सेट बिल्डर फॉर्म में नौ एक बार कर रहा हूं मैं दोबारा से देखो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि सेट्स होता क्या है दैट इज वेल डिफाइंड ऑर्डर ठीक है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं इसको दूसरी बात हमने सीखी कि किस तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है तो उसको हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेसिकली दो होते हैं बट हम इसको वेन डायग्राम से भी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे लेटर अगली क्लास में बताऊंगा हम आपको बट येस yes, तो बेसिकली इंपॉर्टेंट पार्ट इज रोस्टर फॉर्म रोस्टर फॉर्म को करली ब्रेसिस में करली ब्रैकेट्स भी कहते हैं इसको करली ब्रेसिस ब्रैकेट्स एक ही बात है उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दूसरा दूसरा जो हमने सीखा कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मतलब रोस्टर को सेट बिल्डर में और सेट बिल्डर को रोस्टर में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो हमने ये एक सीखा और मैंने आपको कुछ सिंबल्स बताए थे कि Z इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है Z पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है तो ये सब हमने सीखा प्राइम नंबर्स के होते हैं को प्राइम्स के होते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं तो हमने इस पर पूरा फोकस कर रहे हैं तो आई विश कि आपको आज जितना मैंने कराया वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और डेफिनेटली मैं कोशिश ये भी करूंगा आपको एक एनसीईआरटी का लिंक जरूर सेंड करूंगा सो दैट सीबीएसई वैसे तो सी पे एस डॉट निक डॉट इन पर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर सकते हो जो परचेज नहीं कर सकते जिनके पास बुक है वेल एंड गुड अगर पुरानी बुक भी है तो आप बिल्कुल केयरफुली करना है कि जो हम कर रहे हैं नई बुक के अकॉर्डिंगली तो उसी को हमने अटैम्प्ट करना है सो so, ठीक है आई विश आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी इन केस अगर आपको कोई डाउट हो कुछ हो तो आप अपना कमेंट uh, करके उसमें मैंशन कर सकते हो अगर कोई टॉपिक दोबारा समझना हो या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो सो गुड बाय टेक केयर गुड बाय